पूर्वार्ध अध्याय 52 सद्गुरु स्वामीनु आख्यान कहूँ अनूप जे संभारे स्नेह थी ते सौन छे सुख रूप स्वामी मुक्त स्वरूप जे रूड़ा छे अक्षर जीवन दास त्याग वैराग्य नी मूर्ति जना उर महरि नो वास भोजन ग्रमा सद्गुरु जे हा स्वामी अक्षर जीवन दास तेह करो मनवाड ग्रहण अपार कहूँ बात ते मने विस्तार श्री हरि नी इच्छा ते करी आलोक मा पधार्या छे फरी अनेक जीवो ना कल्याण थावा धर्म मर्यादा मा वर्तावा अक्षर धाम मा लई जावा वहला ते सारूज प्रगट थयेला देखे मूर्ति अखंड हरि तणी आज्ञा सामी सूरत छे घणी अल्प वचन हरिनु होय तेने पण उलंघे न जोय कोईक देश काले क्रिया करी वचन लोपायु होय जो जरी तो तेनु तत्काल प्रायश्चित करे करावे ते रूढ़ी रीत हरि आज्ञा माही रहवा तणी दृढ़ स्थिति पामेला ते खणी पोताना शिष्य वर्ग जेह त्यागी गृही घणा वळी तेह ते सबुने ते विज रीते धर्म दृढ़ पड़ावे छे प्रीते सत्य शौच दया शांति जेह शम दम ज्ञानादिक तेह वैराग्य योग संतोषादि घणा कल्याणकारी गुण ते तणा साधुताना लक्षण जे सबु यथार्थ संपन्न कर्या बहु एवा सद्गुरु स्वामी जेह अक्षर जीवन दास जी छे तेह पूर्वाश्रम मा रामपुर गामे कण भी जाते मेघ जी नामे तेना पुत्र पणाने पामेला वैराग्यवान घर मा रहेला बाळ अवस्था मा छे एवा पूर्व संस्कारी भक्त तेवा भगवान भजे ने भजावे कुल क्षण सहुनात जावे अनेक जीवो ने अपवा ज्ञान भजाव वाहे ते भगवान ते सारू संसार त्याग करी साधु थावानी इच्छा ते धरी त्यारे ते मना पिता ते जानो माता दीक स्वजन प्रमाणो वळी बीजा संबंधी अपार रोकवा मंड्या वारम वार साधु थावानी रजान आपे जाए भूज तो वळी संतापे
त्यारे श्रीजी महाराजे आवी दीधा दर्शन ते हित लावी। मेघ जी ने कहू महाराजे पुत्र तारो ते श्याम जी आजे ए तो मुक्त अमारो ज छे जो एने लई जासू ते अमे जो माटे तमे एने देजो दावा सुखे साधु अमारो ते थावा। एम कीधूं हे ते महाराजे आपी रजा साधु थावा काजे। आव्या भूज श्याम जी सुजाण बाळ अवस्था माते प्रमाण ते भूज मा सद्गुरु जे ह स्वामी अच्युत दास जी ते ह। राख्या साधु करी पोता पास नाम पाड्यू अक्षर जीवन दास। स्वामी हित जनावे छे बहु साधुताना गुण आव्या सहु। गण पूर्वना संबंधी जे ह सासरिया आदि मणी ते ह। करी उपाधि अड़बंगी थया त्यारे स्वामी गढ़पुर गया। तिया सिद्धानंद स्वामी जे ह तेमना शिष्य कहू नाम ते ह। राम चरण दास जी जानो सद्गुरु स्वामी ते प्रमाणो। तेनी पासे स्वामी जई रह्या केटलाक मास वही गया। त्यार पछी वळी भूज माही आवी रह्या स्वामी सुखदाई। स्वामी अच्युत दास जी पासे रह्या हित आणी ने फुल्लासे। वळी सद्गुरु स्वामी जे ह निर्गुण दास जी मोटा ते ह। तेनो समागम कर्यो सारो सर्वोपरि समझ्याचो धारो। निज गुरु तणी सेवा करी प्रसन्न कर्या प्रगट श्री हरि। वचनामृत भक्त चिंतामणि संप्रदाय ग्रंथो लीधा भणी। महाज्ञान ना पार ने पामी राजी कर्या सहजानंद स्वामी। साधुता ना पार ने पामेला वळी सद्गुरु ते थयेला। मंदिर माना ना मोटा सहुने धर्म मा वर्तावे जन बहुने। संत ब्रह्मचारी पार्षद तेने वर्तावे धर्मे बेहद। धर्मामृत ने निष्काम शुद्धि ते प्रमाणे वर्तावे सुबुद्धि। ते देश मा सत्संगी ने भावे शिक्षा पत्री प्रमाणे वर्तावे। बड़ी जे अनादि मुक्त राज अब जी पिता जे शीर ताज। तेम ना प्रताप थी थयेल तेम ना जुग माजे आवेल। एवा सर्वे संत हरिजन आज सुधी परम पावन। महाराजनी आज्ञा प्रमाणे यथार्थ वर्ते छे आटाणे। एवू स्वामी अक्षर जीवन दास जोई ऊर मा आणी हुल्लास। मुत राज अब जी बापा तणो करे जोग समागम घणो। तेनी साथे स्नेह सहित मित्र भाव राखे रूढ़ी रीत। कायिक पूछवानु पूछी
ही लिए कहवानू होए तो बड़ी कहे जानी अनादि हरि रूप एवा नथी त्रिलोक मा एना जीवा एम जानी हित बहु आनी पूछे बात ते व्यवहार तनी अरस परस एकता छे अति बीजा जीव ने न पड़े गति एवा स्वामी सीनो गरे गया त्या साधारण मांदा थया त्यारे तेमना शिष्य छे देह साधु हाथ जोड़ी बोल्या तेह हे स्वामी आपने पूज जाइए त्या साधु भेड़ा जाई रहिए केम के त्या साधु होय घना माटे सेवा मान रहे मना औषध वगैरे उपचारे सेवा करे संत बहु प्यारे त्यारे स्वामी कहे छे ते तेने पोताना शिष्य साधु ते बेने तमे शू समझो छो आठार पूज शू आपनू छे आवार मूली के अमदाबाद जे ह छू ए आपनू छे जानो ते ह आपनू नथी कोई आवार एक राखो हरिनो आधार मोटा मोटा महाराज ना संत आदेश मा आवता अत्यंत थोर ना वृक्ष हेठे ते रहता मादा थई त्या देह मुकी देता गया छे हरि ना धाम माही ते आपने शू चिंता छे आही आपना देहनी सेवा काज काई इच्छा न राखवी आज महाराज ने गमे ते टाणे देह पड़ो गमे ते ठेकाणे पण महाराज विना लगार देह सुख सारू कोई वार करवो नहीं संकल्प जराय ते आपनी साधुता गणाय आपने साधु थया त्यारे नौती इच्छा बीजी कोई त्यारे तेमज साधु ताराखी मरहूं देह सुख सारू न डरहूं एवो दृढ़ ठराव करवो पाछो पग कदी नव भरवो पामहू प्रभु नो धाम मोटू बीजू सर्वे करी देवू खोटू देश मंदिर आसन तणी तजी देवी ममता ते घणी एक मूर्ति महाराज केरी तेमा राखवो जीवने ठेरी रह्या छे अनादि मुक्त जैम रहवू छे अमारे पण एम एक समे संत मूळी तणा अमदावाद ना संत ते घणा ते सहित आचार्य जी देह पुरुषोत्तम प्रसाद जी ते ह आव्या कच्छ देश भुज माय मोटा मोटा सदगुरु त्याय देह सर्वे मळी ने विचार्यू गादी तकियो देवानु धार्यू सदगुरु श्री अक्षर जीवन दास तेने देवो तकियो उल्लास एम जानी आचार्य सहित मोटा सदगुरु करी प्रीत कहे तमे आज थी अनूप
सभा माही सबने सुख रूप गादी तकिया ऊपर बिराजो सदगुरु पने घना छाजो एम कही ने सभानी माही नाख्यो गादी तकियो जय त्याही पछी कह्यू स्वामी ने बोलावी बैसो गादी तकिया पर आवी घणु घणु कह्यू सौए मळी पण बैठा नहीं स्वामी वळी कहे मारे तकियो न जोइए कहशो नहीं तमे तो कुइए एम कही गादी तकियो देह त्याग करी दीधो पोते तेह पण ग्रहण न करियो लगार एवा वैराग्यवान अपार आसन पण राखेल एवं त्राट पट्टी वाळू जोइए तेवं ते पर बे पड़ना लुगड़ानी एक आसनी राखेल नानी तेनी ऊपर रात्रिये सुए अखंड ध्यान मा मूर्ति ने जुए सौ संतनी साथे निरधार पंक्ति माज जमे एक वार देहनो अनादर छे भारी मेली देह दशा तेवी सारी सौ संत ने शिखावा तान निज हाथे करे पोते स्नान देहनी क्रिया जे पोता तणी करे उतावळी अति घणी पग पाळा गामडा मा जाय गाडू जोडावा कदी न चाय एवा सद्गुरु स्वामी तेह जने मुक्त राज साथे स्नेह पाम्या मूर्ति तणु सुख घणु तिथि मोट पशु तेनी भणु महामुक्त अक्षर जीवन दास तोये साधु ने करवा समास साधु तानो मार्ग शिखावे सौने देह अभिमान तजावे पोताना देह नी क्रिया देह करे निज हाथे सर्वे तेह सद्गुरु पोते छे सुजान बैये देश माही ते प्रमाण तोये बीजा साधु पासे सेवा नव करावे वैराग्य एवा सौने शिखामण तिथि आवे देहाभिमान सौनु तजावे पोते मूर्ति ना सुखे सुखिया सर्वे साधुता माते मुखिया जेह स्वामी श्रीनो संग करे निर्गुण थई अखंड ध्यान धरे निर्गुण मूर्ति सेवक निर्गुण तेनो पार पामे कहो कौन। इति श्री सहजानंद स्वामी चरण कमल सेवक शिष्य निर्गुणानंद वर्णी रचिते अनादि मुक्त चरित्रामृते पूर्वार्धे सद्गुरु स्वामी अक्षर जीवन दास जी नो महिमा कहो ए नामे 52मो अध्याय।